श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वैसे तो हमने हमेशा से ही सुना है कि नहाने से इंसान के तन और मन दोनों ही शांत हो जाते हैं। तन और मन की सफाई भी होती है और शांति भी मिलती है। नहाने से शरीर की दुर्गंध भी दूर हो जाती है और गंदगी भी दूर हो जाती है। इसी के साथ नहाने से पानी में कुछ उपाय भी किए जाएं तो बीमारी और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल सकता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो पूजा पाठ तो क्या, भगवान का स्मरण भी नहीं करते हैं। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने घर में एक दिया भी प्रज्वलित नहीं करते हैं। आप लोगों ने उन लोगों को हमेशा खुश देखा होगा। हर चीज़ की उनके पास सामग्री है, खुशी है और किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। जो वे चाहते हैं वे ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। भगवान उन्हें हर चीज़ से संतुष्ट रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात पूजा पाठ करते हैं, हर व्रत करते हैं और हर एक उपाय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाती जो वे चाहते हैं। उनकी मन की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई है। हर उपाय, हर पूजा पाठ, तीज त्यौहार, व्रत आदि करने के बावजूद भी उन्हें फल नहीं मिल पाता है। आखिर इसके पीछे क्या राज है, यह हम आपको बता देते हैं। और एक छोटा सा उपाय है जो आपको बिना किसी मंत्र के, बिना किसी भगवान को दीपक लगाए, भगवान की साधना किए, आपको एक छोटा सा उपाय करना है स्नान करते वक्त, जिससे भगवान आपकी हर एक इच्छा को तो पूरी करेंगे ही, साथ ही आपके जीवन में खुशियां ला देंगे। आप लोग इस उपाय को पूरा ज़रूर सुन लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। आजकल के बिजी दौर के चलते हुए हम आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ना कोई पूजा पाठ करनी है, ना ही दिया लगाना है, ना ही कोई मंत्र का उच्चारण करना है। आपको सिर्फ अपने अंदर के भगवान को झांक कर देखना है। हर एक इंसान के शरीर में, हर एक इंसान की आत्मा में भगवान समाया हुआ है। आपको बस उसकी पहचान करनी है। आपको स्नान करते वक्त एक छोटा सा उपाय कर लेना है, जिससे आपको आपकी आत्मा रूपी भगवान से आप अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति करवा सकें। आप अगर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और शीघ्र अतिशीघ्र 24 घंटे के अंदर ही आपको ये लाभ मिलने लगेगा। आप इस उपाय को नियमित रूप से करेंगे। सिर्फ आपको स्नान करते वक्त यह उपाय करना है। अब आप समझेंगे कि स्नान करते वक्त और लंबा चौड़ा समय ना लग जाए, तो बिल्कुल भी एक मिनट का समय भी नहीं लगेगा और ये उपाय हो जाएगा। प्रतिदिन की आदत में डाल लें इस उपाय को करने के लिए। हम आपको अब बता देते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। जब भी आप स्नान करने जाएं, स्नान करते समय आप बैठ करके स्नान करें। जिस भी पट्टे पर आप बैठते हैं उस पर आप ध्यान करके बैठ जाएं। पानी आप बाल्टी में भरें। शावर से नहाते हैं तो उससे पहले भी आप किसी बर्तन में पानी भर लें। वॉशरूम के अंदर ही आपको ये उपाय करना है, बाहर नहीं करना है। आप जब भी स्नान करें, सबसे पहले जिस भी पात्र में आप जल भरते हैं, नहाते हैं, उस पात्र में से अपने सीधे हाथ की तीन उंगलियों को लेकर के अपने जो भी बर्तन है उसमें डुबोएं और उस पानी को ले जा करके अपने मस्तक पर तीन उंगलियों से त्रिपुंड बना लें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बार बोल दें लगाते वक्त। बस आपको एक लोटा जल ले लेना है, जिस भी पात्र से आप नहाते हैं उस पात्र से सिर पर जल डालना है और उसके बाद दोनों कंधों पर जल अर्पित करना है। उसके बाद आप अपने भगवान इष्ट देव को मन ही मन याद करें और अपने अंतर रूपी भगवान को जागृत करें, क्योंकि कहा गया है कि सबसे बड़ा भगवान जो हमारी आत्मा में समाया हुआ है, कण कण में भगवान है, हमारे शरीर के अंदर भी भगवान है, बस उसे देखने की ज़रूरत होती है। ये उपाय आप जिस दिन से भी शुरू कर देंगे उसी दिन से आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आपका दिन बहुत ही शुभ बीतेगा। आपको धन धान की कमी महसूस नहीं होगी। उस दिन आप यह उपाय करेंगे, धन आना आपके पास प्रारंभ हो जाएगा। जिस भी उद्देश्य से आप घर से निकलें, एक लोटा जल से आप यह उपाय करें और स्नान करके उस कार्य के लिए जाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भी कई ऐसे उपाय हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उन्हें अवश्य देखिएगा। दर्शकों, इस
टॉपिक पर हम और लंबा वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए, उसे भी जरूर देखिएगा। और भी उपाय डले हुए उन्हें अवश्य देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।